हेलो फ्रेंड्स, बच्चों पर आधारित एक कहानी बता रहा हूँ। सुल्ताना नाम का एक डाकू था, उसको फांसी होने लगी थी तो उसने अपनी अंतिम इच्छा जाहिर की कि मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। उसकी माँ को बुलाया गया। माँ जैसे ही पास में आई उसने कहा, माँ जरा नज़दीक आ। माँ के कान को ज़ोर से काट लिया सुल्ताना ने, खून बहने लगा। माँ जोर से चिल्लाई, पुलिस वालों ने पकड़ लिया। उसे डंडे मारते हुए पूछा, ऐसा क्यों किया तुमने? सुल्ताना ने कहा, मेरी माँ को सज़ा मिलनी ही चाहिए। पहली बार जब मैं घर में चोरी करके आया था, बच्चा था, अगर उस समय मेरी माँ खुश ना हुई होती, मेरी चीज़ें संभाल कर ना रखती, मुझे ज़ोर से एक थप्पड़ लगा देती तो मेरी चोरी की आदत ना पड़ती। चोरी के बाद मेरी ज़बरदस्ती छीनने की आदत बढ़ी, लोग मुझे बुरा बुरा भला कहने लगे, परंतु फिर भी मेरी माँ मुझे पूछती थी, मेरी चीज़ों को संभाल कर रखती थी। उसने उस स्थिति में भी मुझे कभी थप्पड़ नहीं लगाई। मेरी आदतें बिगड़ती गईं, मेरा हौसला बढ़ता गया और अंततः उस रास्ते पर चलते चलते मैं यहाँ तक पहुँच गया कि आज मुझे फांसी की सज़ा दी जा रही है। यदि मेरी माँ ने पहले दिन ही मुझे एक थप्पड़ लगा दी होती तो आज मुझे यह दिन ना देखना पड़ता। बच्चों की नापसंदगी या नाराज़गी की परवाह किए बिना उनके लिए क्या उचित है, इसका निर्णय लेना पड़ता है। बच्चे को स्वावलंबी बनाना उसे सबसे मूल्यवान उपहार देना है। यदि आपने उसे स्वावलंबन का पाठ पढ़ा दिया, यदि आपने उसे परिस्थितियों से जूझने की शिक्षा दे दी, यदि आपने उसे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखा दिया, तो यकीन मानिए आपने उसे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण सौगात दे दी है। अतः बच्चों की स्वावलंबी बनाए, भले इसके लिए आपको कुछ कठोर कदम ही क्यों न उठाने पड़े। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और अपने मित्रों को भी शेयर करें।